बच्चों, इस पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12.11 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, और 12.11, 12.12, 12.13 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 12.11 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, 12.11 क्वेश्चन में, कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला C8H16O2 है, यानी मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है हमारा, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है C8H16O2 मॉलिकुलर फॉर्मूला। जब ये हमारे पास इस मॉलिकुलर फॉर्मूला का कंपाउंड हाइड्रोलाइज किया जाता है, जब उसका हम हाइड्रोलाइज करते हैं C8H16O2 का वाटर के साथ, जो हम रिएक्शन कराते हैं उसको इन द प्रेजेंस ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करते हैं, एक कंपाउंड इसमें B बनता है और एक कंपाउंड बनता है C। तो ये कंपाउंड हमारा हो गया A। फिर हमसे पूछा है ऑक्सीडेशन कराते हैं जब सी का क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बी बनता है। जब हम सी का ऑक्सीडेशन कराएंगे, कंपाउंड हमारे पास सी है और उसका हम कराते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2Cr2O4, ये बनता है Na2Cr2O7 की, जो हम रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, तब ये बनता है क्रोमिक एसिड। तो हमारे पास बनता है कंपाउंड बी। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम सी का डिहाइड्रेशन कराते हैं, सी का क्या कराते हैं हम, डिहाइड्रेशन, कंपाउंड हमारे पास सी है और सी का कराते हैं हम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो हमें कंपाउंड मिलता है कोई, जो मिलता है वो बनता है Butene। ये हमें दे रखा है कि कंपाउंड आपको Butene मिलेगा जब आप उसका क्या कराएंगे, डिहाइड्रेशन। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई ये Butene है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास कोई चार कार्बन वाला कोई कंपाउंड है। और डिहाइड्रेशन की रिएक्शन हमें पढ़ी है कि डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का, एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है क्या, कोई एल्कीन बनती है। और जो हमारे पास कोई एल्कोहल होती है और उसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास बनता है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है ये जो सी और बी है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारे पास कोई अल्कोहल है। और जब हमारे पास ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन हमें इंडिकेट कर रही है कि भाई ये रिएक्शन हमारी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, क्योंकि एस्टरीफिकेशन में कोई एस्टर हाइड्रोलाइज होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और वहाँ कोई एसिड बनता है और क्या बनता है, कोई अल्कोहल। तो हमारे पास, हमें पता चल गया कि भाई ये हमारे पास कोई ना कोई एस्टर है, तो हम एक एस्टर बना लेंगे। ये कौन सा एस्टर है, अब 8 कार्बन वाला एस्टर बना लेंगे। तो पहली रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O, और सिमिलरली CH2 CH2 और CH3। ये बना लिया हमने क्या है, ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड, ये बन गया, ये सब ब्यूटाइल और ये ब्यूटेनोइड, ये बन गया मेरे पास कोई ब्यूटेनोइड। तो क्या बना है बताइए, ये एस्टर बना, तो हमारे पास बन गया एक एस्टर। ठीक है, अब इस एस्टर का मुझे कराना है हाइड्रोलाइसिस। तो जब मैं इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसको हीट करूंगा वाटर बाथ पे, तो मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास एसिड में, और ये वाला पोर्शन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास अल्कोहल में। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 COOH, एक तो एसिड बन गया, अब ये बन गया मेरे पास B और ये मेरे पास बन गया A। जब हम B को और C बनेगा हमारे पास कोई अल्कोहल, एल्कोहल बनेगा CH3 CH2 CH2 और CH2 और OH।
ये मेरे पास बन गया अल्कोहल, ये कंपाउंड मैंने बनाया सी। अब जब मैं सी का क्या कराऊंगा, ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल मिलेगा। तो दूसरी रिएक्शन ये हो जाएगी, इस सी का मुझे ऑक्सीडेशन कराना है। सी है मेरे पास ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल का जब मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा, प्राइमरी अल्कोहल का मैं क्या करा रहा हूँ ऑक्सीडेशन, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दिया मैंने, तो मुझे मिल जाएगा क्या बी। हमेशा प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने के जब स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो हमेशा मिलेगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थर्ड है मेरे पास, थर्ड पॉइंट कि जब मैं इसका डिहाइड्रेशन, सी का मैं डिहाइड्रेशन कराऊंगा, तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन की रिएक्शन भी हम क्या है पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम मैं क्या कराऊंगा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 443 केल्विन। और जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ से ये कार्बन जो है, इस कार्बन से फर्स्ट कार्बन है, दूसरा है, तो पहले कार्बन से OH और दूसरे कार्बन से H यानी रिमूव हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन, तो बन जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बन जाएगा H2O, तो ये बन गया ब्यूटोन इन। तो हमारा ए कंपाउंड कौन हो गया, ये वाला। बी कंपाउंड है मेरे पास क्या, ब्यूटेनॉइक एसिड। और सी कंपाउंड हो जाएगा मेरे पास ब्यूटेनॉल। तो इस प्रकार से आंसर में लिख देंगे कि फर्स्ट इज एन ब्यूटाइल ब्यूटेनॉइड, और इसको लिख देंगे क्या हम ब्यूटेनॉइक एसिड, और ये हमारे पास हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 12.1 इस प्रकार से कर लेंगे, और इसके आंसर हमारे पास ए बी सी जो मैंने कंपाउंड बोले हैं लिखे हुए हैं उनको एज आंसर लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12.12 है। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अबव, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कंपाउंड हमें दे रखे हैं, जैसे पहले दे रखा है हमको एसिटाल्डिहाइड, फिर हमें दे रखा है एसीटोन, फिर हमें दे रखा है डाई टार्ट ब्यूटाइल कीटोन, और फिर हमें दे रखा है मिथाइल टार्ट ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल कीटोन्स। इस प्रकार से ये हमें क्या है दे रखे हैं, और इनको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद HCN, HCN के HCN से रिएक्शन करानी है, और कौन रिएक्शन HCN से फास्टर करेगा उसको सबसे बाद में लिखना है, और कौन सबसे कम देगा उसको सबसे पहले लिखना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या है बैक में जाना पड़ेगा कि हमारे NCERT के अंदर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर देते हैं, और जो कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड से स्लो देते हैं। और इसका रीजन होता है एक तो स्टीयरिक हिंड्रेंस या स्टीयरिक रीजन, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। अब ये स्टीयरिक हिंड्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक रीजन क्या है, ये एक प्रकार की HCN के साथ एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें होता यह है कि कोई RC डबल बॉन्ड O और H नाम का मान लीजिए कोई क्या है हमारे पास एल्डिहाइड है, और उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCN के साथ,
तो यहाँ से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो है छोटे साइज का, तो हाइड्रोजन छोटे साइज का है तो इसमें क्या है, ये स्टीयरिंग हिंड्रेंस कॉज नहीं करेगा, क्राउडिंग नहीं बढ़ाएगा, यहाँ पर क्या है स्पेस है कि CN प्रॉपर अटैक कर सके, तो रिएक्शन हो जाएगी, स्पीड से होगी। लेकिन वहीं मैं क्या ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ, कीटोन। तो कीटोन के केस में क्या होगा, एक CH3 ग्रुप होगा या CH2 होगा या कोई और ग्रुप होगा इस प्रकार से, उसमें क्या है एक कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है। जब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HCN के साथ, तो ऐसे केस में क्या है, यहाँ पर हमारे पास स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस रुकावट ज़्यादा है, यहाँ पर रुकावट नहीं है। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने से क्या होगा कि एल्डिहाइड जो कीटोन में क्या है, जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो उतने एज से रिएक्ट नहीं कर पाएगा या अटैक नहीं कर पाएगा, जिससे रिएक्शन स्लो हो जाएगी, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन कम। दूसरा रीजन होता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन, इलेक्ट्रॉनिक रीजन होता है कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जब इस पे पॉजिटिव ये बॉन्ड पोलर होता है, बॉन्ड टूटकर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के कारण बढ़ जाती है। अब CH3 इसमें एक है जबकि कीटोन में दो हैं, तो कीटोन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप क्या है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो भी स्लो अटैक करेगा, इसलिए क्या होगा एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन कम। तो ये रिएक्शन जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। अब हम इनको अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या है इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाएगा कि किसमें कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं और अटैक किसमें फास्टर होगा किसमें स्लोवर होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें डाइटर्ट ब्यूटाइल कीटोन की स्ट्रक्चर। तो ये मेरे पास हो गया कीटोन और इससे मैंने जोड़ दिया 3CH3, यानी एक टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जो मैंने जोड़ दिया, ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल। अब मुझे ऐसे दो जोड़ने हैं, एक और इधर जोड़ देंगे टर्सरी ब्यूटाइल लाइक दैट। तो दो मैंने क्या जोड़ दिए, टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल, इसमें हमें एक मिथाइल जोड़ना है और एक जोड़ना है टर्सरी ब्यूटाइल। फिर उसके बाद एसीटोन है, एसीटोन होता है CH3COCH3, दो केवल मिथाइल ग्रुप हैं। और लास्ट में आता है मेरे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में केवल सिंगल मिथाइल ग्रुप है। अटैक इस कार्बन पे होना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, देखो 1 2 3 1 2 3, यानी 6 ऐसे कार्बन ऐसे मिथाइल ग्रुप हैं जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन भी पुश कर रहे हैं, दूसरा बड़ा साइज भी है, जब ये सारे अरेंज हो जाएंगे तो साइज बहुत बड़ा, तो इसको सारे को घेर लेंगे, घेर लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर अटैक नहीं कर पाएगा, यानी स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इन ग्रुप के कारण बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। सबसे कम रिएक्टिव होगा ये, उससे ज़्यादा ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और हमारे पास तीन और एक चार CH3 है, एक तरफ तीन एक तरफ चार, उससे भी क्या होगा इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस इसमें ज़्यादा है, इसमें थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन होगा इसमें भी रहेगा 2CH3 ग्रुप में, लेकिन सबसे कम रहेगा एल्डिहाइड में, क्योंकि इधर से अटैक हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज कर देंगे HCN के रिएक्टिविटी ऑर्डर में, यदि HCN की रिएक्टिविटी सबसे कम ये रिएक्शन करेगा, फिर उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, और सबसे ज़्यादा करेगा एल्डिहाइड। ये हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12.13। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है, कुछ एसिड्स दे रखे हैं हम इसके, क्वेश्चन नंबर 12.12 का सेकंड है, तो इसमें हमें कुछ एसिड्स दे रखे हैं CH3 CH2 CH CH से जुड़ा हुआ है Br और C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो H, उसके बाद है CH3
सी एच से बी आर जुड़ा हुआ है, फिर सी एच टू, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एच। उसके बाद है सी एच थ्री का होल ट्वाइस सी एच सी डबल एच, और लास्ट है हमारे पास सी एच थ्री सी एच टू और सी डबल ओ एच। इनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एसिड स्ट्रेंथ। अब कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास, हमें ये तो बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक इन नेचर होता है। कोई भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। उसका कारण होता है कि वो यहाँ पर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आएगा, एक कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे लॉन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, तो लॉन पेयर डीलोकलाइज हो जाते हैं किसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ, जिससे ये बॉन्ड बन जाता है पोलर, बॉन्ड टूट जाता है और हमारा ये एसिडिक नेचर दिखाता है। लेकिन ये होता वीक एसिड है, तो सी एच थ्री सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव, डबल बॉन्ड ओ और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, और H प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एसिडिक नेचर दिखाएगा। H प्लस आयन रिलीज करेगा तो क्या दिखाएगा, ये एसिडिक नेचर। ठीक है, जब ये हमारे पास एसिडिक नेचर दिखाएगा तो हमें अरेंज करना है। अब हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसमें दो ग्रुप जुड़े हो सकते हैं, या तो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कौन आ जाएगा, जैसे हमारे पास सी एच थ्री है या फिर ओ सी एच थ्री है या फिर सी टू एच फाइव है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करता है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब एक तरीका से चेन में इलेक्ट्रॉन पुश करता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में जैसे कि NO2 हो गया, CN हो गया, Cl हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस जो प्लस आई इफेक्ट होते हैं वो डिक्रीज एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर को डिक्रीज कर देते हैं, और जो प्लस आई होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एसिडिक नेचर को, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को बढ़ा देते हैं। प्लस आई वाले घटाएंगे और माइनस आई वाले बढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने, हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक दैट, और मैंने यहाँ पर जोड़ रखा है सी एच थ्री, और आगे मेरे पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड एच। ये बॉन्ड पोलर है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे लॉन पेयर है, लॉन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड टूटेगा। लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है कार्बन की तरफ और ये भी कर रहा है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पुश करेगा। जब इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो इस कार्बन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, जिसके कारण बॉन्ड टूटेगा कम, बॉन्ड टूटेगा तो लेस एसिडिक होगा। तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी घट जाती है। सिमिलरली यदि मैंने ले लिया सी एच थ्री सी एच और यहाँ पे F जोड़ दिया और यहाँ C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H है, ऐसे केस में क्या है, इस बॉन्ड को तोड़कर मैं यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, अब की बार क्या होगा कि प्लस आई माइनस आई इफेक्ट की वजह से एफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, जिससे क्या है, ये फ्लोरीन यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, कार्बन यहाँ से करेगा, ये कार्बन यहाँ से करेगा, जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो पोलैरिटी को बढ़ा देते हैं, बॉन्ड जल्दी से OH बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है, तो एसिडिक नेचर दिखाता है, क्योंकि H प्लस आयन जो देते हैं वो एसिड होते हैं। अब जितना जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो जितने नज़दीक होते हैं सी डब्ल्यू एच के उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर होती है, और ये जितने नज़दीक होते हैं उतनी ही कम हो जाएगी, ये दूर होंगे तो ये एसिडिक नेचर बढ़ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है
और इसमें हमें ये पूछा है कि भी इनको भाई अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, कितने हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन सा है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर सी एस थ्री है, यहाँ पर भी सी एस थ्री है। तो ये यहाँ पे दो सी एस थ्री है, यहाँ पे एक सी एस थ्री है, यहाँ पे बी आर क्या है, दूसरे कार्बन पे है, यहाँ पे बी आर तीसरे कार्बन पे है। तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा मेरे पास ये वाला, क्योंकि इसमें दो सी एस थ्री ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने हैं, दो सी एस थ्री ग्रुप। तो दो सी एस थ्री ग्रुप क्या काम करेंगे, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएंगे। अब प्लस आई इफेक्ट यदि दिखाएंगे तो ओ एच बॉन्ड की पोलैरिटी घट जाएगी, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे इसके तरफ, उससे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें एक ही सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है रिंग की तरफ, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पे दूसरे कार्बन पर है, यहां पर तीसरे पर, तीसरा वाला कम एसिडिक हो जाएगा क्योंकि दूर हो गया, दूर हो गया तो फिर क्या है, प्लस माइनस आई इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास इससे ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा मेरा फर्स्ट वाला, कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, बहुत नजदीक जुड़ा हुआ है और तो अट्रैक्ट करने की पावर क्या है, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। OH बॉन्ड को जल्दी से ये तोड़ेगा। इस प्रकार से हम एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे एलिफैटिक है, चाहे हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व का थर्ड है। इसमें भी हमें एसिडिक नेचर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। एक हमारे पास बेंजोइक एसिड है, एक हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर सी डबल ओ एच, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, सी डबल ओ एच। उसके बाद है फोर नाइट्रोबेंजोइक एसिड सी डबल ओ एच एनओ टू। नेक्स्ट है 3,4-dinitrobenzoic acid। अब 3,4-dinitrobenzoic acid है, एक 3 पर जुड़ा हुआ है और एक 4 पर जुड़ा हुआ है, और लास्ट है मेरे पास 4-methoxybenzoic acid। तो यहां पर जुड़ा हुआ है सी डबल ओ एच और यहां पर जुड़ा हुआ है ओ सी एच 3। तो हमें देखना है अभी कौन सा इसमें क्या है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एसिडिटी को कम कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, बढ़ा देगा एसिडिटी को। ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है और यहाँ कोई ग्रुप है ही नहीं, यहाँ पे ग्रुप ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा वो हो, सबसे कम एसिडिक वो होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरे पास 4-methoxybenzoic acid, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा 4-methoxybenzoic acid। उससे ज्यादा बेंजोइक एसिड हो जाएगा क्योंकि इससे कोई ग्रुप कैसा भी नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब है ये क्या है, ईडीजी से ज्यादा एसिडिक है। उसके बाद आएगा मेरे पास जिसमें एक एनओ टू ग्रुप है, क्योंकि एक एनओ टू ग्रुप है तो इसका मतलब है क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन उसमें नेक्स्ट वाले में दो है तो सबसे ज्यादा हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, किससे, रिंग से खींचेंगे तो रिंग का कार्बन ऊपर, ऐसे ही पोलैरिटी बढ़ती चली जाएगी, OH बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। ऐसे अरेंज कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 12.13 को हम एसिडिक नेचर के बेस पर, और यदि हमें क्या है याद है कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट हमें आता है, तो हम प्रॉपरली क्या है अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा कम एसिडिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12.13 क्वेश्चन में हमें कुछ टेस्ट बताने हैं, हमें कुछ कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश करना है और उसके लिए हमें कुछ टेस्ट बताने हैं 12.13 में, यानी गिव द केमिकल टेस्ट, गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश
टू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। हमें कुछ कंपाउंड्स की पेयर दे रखी है, उनको हमें अलग अलग करना है। अब सबसे पहले हम जो क्या है, कुछ केमिकल टेस्ट पढ़ लेते हैं पहले, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा आसान हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हमें जो कंपाउंड इसमें दे रखे हैं, क्योंकि चैप्टर कौन सा है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कुछ हमारे पास एल्डिहाइड के टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास यदि कोई एल्डिहाइड है, उसमें मैं टॉलेंस रिएजेंट डालता हूं, टॉलेंस रिएजेंट डालता हूं, प्लस बेस ऐड करता हूं बेस, और हीट करूंगा तो मुझे मिलेगा सिल्वर मिरर। ठीक है ना, कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा, टॉलेंस टेस्ट को कौन नहीं देगा, कीटोन। तो हमें ये टॉलेंस टेस्ट पता होना चाहिए, टॉलेंस टेस्ट क्या होता है। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है, एल्डिहाइड देता है। सिमिलरली यदि मैं कोई एल्डिहाइड लूंगा और उसमें फैलिंग्स रिएजेंट डालूंगा प्लस उसमें मैं बेस ऐड करूंगा और इसे हीट करूंगा, तो यहां बनेगा मेरे पास रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट। इस टेस्ट को भी एल्डिहाइड देगा, तो दोनों टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड। नेक्स्ट होता है हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये हमें ध्यान रखना है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनों देते हैं, एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं लेकिन वो जिनमें CH3CO से जुड़ा हो, वो एल्डिहाइड जिनमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो CH3 से ऐड होना चाहिए, ठीक है, तो वो हमारे देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट होता क्या है कि इसमें हम कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं, कोई भी एल्डिहाइड या फिर क्या लेंगे हम, कीटोन, जिसमें CO ग्रुप किससे जुड़ा होगा, CH3 से, और उसमें डालेंगे हम I2 plus NaOH के साथ हीट करेंगे, या इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास CHI3 का येलो PPT, आयोडोफॉर्म बोलते हैं CHI3 को, येलो PPT बनेगा, किसका, आयोडोफॉर्म का येलो PPT। तो ये टेस्ट हो गया आयोडोफॉर्म टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट में क्या लेंगे हम, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे प्लस ऐड करेंगे उसमें NaHCO3, तो यहां से बनेंगी हमारे पास CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, CO2 गैस रिलीज होगी। तो इस प्रकार से क्या है हमारे पास, ये तीन टेस्ट हैं, ये टेस्ट दोनों टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट, तो एल्डिहाइड देते हैं, और आयोडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप CH3 से जुड़ा होना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट केवल कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाएगा किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वहां से क्या है हमारे पास CO2 गैस रिलीज होगी विद ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ, राइट। तो अब हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं उनको देख लेते हैं। या किस किस का हमें केमिकल टेस्ट देना है, किस किस को हमें एक दूसरे में अंतर करना है। अब हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है हमें अंतर करना है
प्रोपेनल प्रोपेनॉल में। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन, प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन में हमें डिफरेंस करना है। प्रोपेनल की स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगी, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H, और इसकी CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3, इस प्रकार से। तो ये प्रोपेनॉल है और ये हमारे पास है प्रोपेनॉल। इसमें CO किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। इसमें CO किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से। तो आप इनको कह सकते हैं सॉल्यूशन में कि डिस्टिंग्विश बाई आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। नहीं तो ये टॉलरेंस टेस्ट से भी हो जाएगा। ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। ऐसे ही क्या है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। तो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है हमारे पास एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। रिएक्शन करा देंगे हम इसकी I2 plus NaOH के साथ। जब हीट करेंगे तो बनेगा CHI3 बनेगा, येलो पीपीटी आयोडोफॉर्म का। और इसके अंदर मतलब ये वाला CH3 तो कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और जो हमारे पास जो और इसके अंदर ग्रुप बच गया है CH3CO बचा, उससे जोड़ देंगे ON A। ये रिएक्शन। और जब इसके साथ कराएंगे, इसमें डालेंगे हम I2 plus NaOH प्रोपेनल में, तो लिख देंगे नो रिएक्शन। यहाँ पर लिख देंगे प्रोपेनल I2 plus NaOH और नो रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएट। दूसरा है हमारे पास एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। सेकंड है हमारे पास एसिटोफिनॉन एंड बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर हो जाती है बेंजीन के ऊपर COCH3, और बेंजोफिनॉन की स्ट्रक्चर होगी दो बेंजीन को आपको फ्यूज करना है ऐसे करके। अब इसमें CO जुड़ा हुआ है CH3 से, तो I2 plus NaOH के साथ हीट करेंगे तो CHI3 का येलो पीपीटी बनेगा। और जब हम इसको हीट करेंगे I2 plus NaOH के साथ, क्योंकि इसमें CO बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो लिख देंगे नो येलो पीपीटी। इसका आंसर हमें ये लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल बेंजोइक एसिड। तो हम जब बेंजोइक एसिड के अंदर क्या है, मेरे पास ये बेंजोइक एसिड है C डबल ओ एच,
इसमें मैं डालूंगा NaHCO3, तो यहां पे बनेगी COONa बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस यहां से रिलीज होगी CO2 गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ। तो जैसे ही मान लीजिए मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और मैंने इसमें बेंजोइक एसिड ले रखा है, और जब मैं इसमें क्या डालूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या है, बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट डालूंगा तो यहाँ पर बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे CO2 गैस के। फिनॉल ये रिएक्शन नहीं देगा, तो फिनॉल बना लेंगे, NaHCO3 लिखेंगे और लिख देंगे नो CO2 रिलीज। नेक्स्ट हो जाएगा मेरे पास बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइट, फोर्थ है मेरे पास बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। इसमें भी क्या है, आप आंसर लिख देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, क्योंकि बेंजोइक एसिड तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर क्या है, CO2 गैस रिलीज होगी ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ, यहां पे नहीं होगी। नेक्स्ट है पेंटेन 2-ON एंड पेंटेन 3-ON, तो फिफ्थ वाले में क्या हो जाएगा, पेंटेन 2-ON, पेंटेन 2-ON एंड पेंटेन 3-ON, पेंटेन 3-ON। तो पेंटेन 2-ON और पेंटेन 3-ON स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो पता चलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, दिस इज द पेंटेन 2-ON। इसमें CO जुड़ा हुआ है CH3 से, तो I2 प्लस NaOH के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा I2 प्लस NaOH के साथ, तो CHI3 का येलो PPT बनेगा, ठीक है, CHI3 का क्या बनेगा, येलो PPT यानी आयोडो फॉर्म का क्या बनेगा बताइए, येलो PPT बनेगा। लेकिन पेंटेन 3-ON की जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता चलेगा CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। जब मैं रिएक्शन कराऊंगा I2 प्लस NaOH के साथ तो नो येलो पीपीटी, क्योंकि इसमें CO जुड़ा हुआ है CH3 से तो आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा, इसमें CO जुड़ा हुआ है CH2 से तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, नेक्स्ट हमारे पास है बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर हो जाएगी बेंजीन के ऊपर CH2, एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर हो जाएगी बेंजीन के ऊपर COCH3। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये नहीं देगा, या फिर ये टॉलरेंस टेस्ट देगा ये नहीं देगा, तो किसी एक टेस्ट को लगाकर क्या है हम इन दोनों में अंतर कर सकते हैं। वो लिखेंगे I2 प्लस NaOH, बेंजाल्डिहाइड बनाओगे I2 प्लस NaOH नो येलो PPT, और यहाँ लिखोगे एसिटोफिनॉन एरो पे I2 प्लस NaOH तो येलो PPT ऑफ CHI3 बनेगा। नेक्स्ट है इथेनल एंड प्रोपेनल। इथेनल में क्या है CH3
सी डबल बॉन्ड ओ और एच। प्रोपेनल में सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और एच है। इसमें सी ओ जुड़ा हुआ है सी एच टू से, इसमें सी ओ जुड़ा हुआ है सी एच थ्री से, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ये नहीं देगा। यानी ये जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम क्या आई टू प्लस एन ओ एच के साथ, तो येलो पीपीटी बनाएगा, जबकि ये येलो पीपीटी नहीं बनाएगा। इस प्रकार से इनकी रिएक्शन भी लिख देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 12.13। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, थैंक्स।